देखो कंपास से भी नहीं बनेगी इतनी गोल। जरा सा बदलाव रिश्तों की सेहत के लिए अच्छा है, तो क्यों ना अपनों का खाना धारा ऑयल में बनाएं और रिश्तों की सेहत बढ़ाएं। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। अज्ञात कारणों के चलते महिला बार डांसर ने की आत्महत्या। दमोह जिले के नोएडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला के द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है। नोएडा थाना प्रभारी विकास चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि हरीश सिंह ठाकुर ने शनिवार की रात करीब 9 बजे आकर सूचना दी थी कि उसके मकान में किराए से रह रही प्रिया उर्फ आरती ठाकुर, जो नाच गाने का कार्य करती है, ने आत्महत्या कर ली है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर जाकर देखा कि महिला पंखे से लटकी हुई है। महिला के परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण कमरे को रात भर के लिए सील कर दिया गया। बाद में सुबह परिजनों के साथ पुलिस स्टाफ व एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। घटना के संबंध में नोएडा थाना प्रभारी विकास सिंह चौहान का क्या कहना है, सुनते हैं विस्तार से। कल रात को कस्बा नोएडा के निवासी हरि सिंह लोधी थाना उपस्थित आए थे। बताए थे कि उनकी किराएदार जो है आरती और प्रिया सिंह ठाकुर फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। उनके पिता का नंबर या उनके परिजन का नंबर उनके पास नहीं था, जो उनको सूचित नहीं कर पाए थे। तो पुलिस उनकी रिपोर्ट पर थाना नोएडा में मर्ग कायम कर जाँच में ले लिया थे और कल पर आए थे तो अंदर से दरवाज़ा बंद था और मृतका के परिजन उपस्थित नहीं थे, तो घटनास्थल को सील बंद कर दिया गया था ताकि सुबह एफएसएल टीम भी आकर उसकी मौके पर जांच कर ले तथा उसके परिजन भी उपस्थित आ जाए। एफएसएल टीम सुबह आ गई थी, परिजन भी उपस्थित आ गए थे आज को, तो उनके समक्ष इनके जो किराए से रहती थी उस मकान का ताला खुलवाया गया था। अंदर से दोनों दरवाजे बंद थे, दो दरवाजे हैं मकान में, पीछे तरफ से बंद था, सामने तरफ से भी बंद था, तो उसको तोड़वा कर पंचनामा तैयार कर उनके माता पिता के सामने उसको खुलवा के देखा गया था। तो जो मृतिका है आरती और प्रिया सिंह ठाकुर, वो फांसी के फंदे से लटकी हुई थी। तो मौके पर मैडम डॉक्टर किरण सिंह मैडम एफएसएल टीम की आ गई थी, जिस पर उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तथा बॉडी का भी बारीकी से निरीक्षण किया है। मौके पर पंचनामा कार्रवाई चल रही है, मृतका के परिजन उपस्थित हो गए हैं। सर, महिला नाच गाने का काम करती थी ऐसा कुछ? हाँ, ये पता चला है कि महिला जो है ना कार्यक्रमों में और बड़े बड़े शादी समारोहों में जो भी इनका था तो नाच गाने का काम करती थी। अब जांच में जो भी आएंगे सामने होगा उसके हिसाब से वैधानिक